हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ, यह है टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप के आपने बड़े बड़े स्टॉक देखे होंगे, जैसे टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा केमिकल। अब ये भी एक स्टॉक है टाटा ग्रुप का, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड। टाटा मेटालिक्स लिमिटेड अगर आप इसका प्राइस देखें तो अपने 52 वीक लो के अराउंड चल रहा है। 545 का 52 वीक लो था इसका और 579 के अराउंड प्राइस चल रहा है। इसका रिजल्ट आया, क्वार्टर टू का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एक छोटा सा स्मॉल कैप स्टॉक है टाटा ग्रुप का ये, और अगर देखा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1465 रुपीज़ के अराउंड है। अर्निंग पर शेयर 51 का है, प्राइस टू अर्निंग 11.19 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो 15.75 का है, क्योंकि बुक वैल्यू इसकी 36.79 रुपीज़ के अराउंड है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कल शाम को अराउंड 8 बजे के अराउंड आया था और रिजल्ट कैसा रहा वो देखिए। अगर टोटल इनकम की बात करते हैं, ये सारी फिगर लैक्स में मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 585.48 करोड़ की टोटल इनकम इसने शो करी है लास्ट क्वार्टर में, जो कि 469 करोड़ की थी, एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 450 करोड़ की थी। तो अच्छा खासा इंक्रीज़ देखा गया क्वार्टरली एंड ईयरली टोटल इनकम पे। चलिए प्रॉफिट की तरफ अगर हम नज़र डालें तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट 47 करोड़ का हुआ है इस बार। लास्ट क्वार्टर में जो है 30 करोड़ का था एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 33 करोड़ का, तो प्रॉफिट में तो बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए 30 करोड़ से 47 करोड़ तक चला गया है प्रॉफिट टाटा मेटालिक्स का। तो ये है प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत बेहतरीन। छोटा सा स्मॉल कैप स्टॉक इतना बढ़िया प्रॉफिट इसने शो किया है। अगर आप इसका डिविडेंड भी देखोगे तो डिविडेंड देखिए, ₹3 का डिविडेंड दिया था 2018 में, तो हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड बढ़ा बढ़ा के दे रहा है। पहले 2 दिया था, फिर 2.5, फिर 3। अब प्रॉफिट अच्छा होगा तो डेफिनेटली डिविडेंड भी अच्छा होगा। अगर इसके ग्राफ में नज़र डालें तो देखिए, एक लॉन्ग टर्म इसकी जो बहुत बढ़िया ग्रोथ लाइन, ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसमें गिरावट देखने को मिली है। उसमें गिरावट इस तरीके से देखिए, इस ट्रेंड लाइन को नीचे पार करके ये आ गया और इस लेवल पर ये स्टॉक देखिए, आप इस लेवल पर आपको मिल रहा है। अच्छे रिजल्ट के बाद डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में गिरावट चल रही है तो उस गिरावट को हम मना नहीं कर सकते कि वो गिरावट ऐसी ही रहेगी या बिल्कुल हट जाएगी। तो मार्केट में गिरावट का ट्रेंड, जो इसकी जो डाउन ट्रेंड लाइन चल रही है, तो डेफिनेटली आपको इस लाइन के अराउंड कहीं रेजिस्टेंस, इस रिजल्ट के बाद भी ये इसी लेवल पे कहीं तक जा सकता है और उसके बाद अभी भी जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर आप डाउन ट्रेंड के लाइन ड्रॉ करें तो देखें तो मुझे तो ये स्टॉक अगर इस लाइन को टच करता है, इस सपोर्ट के लाइन को 460 के अराउंड, इस लेवल पर भी आ सकता है, लेकिन ये इसी एक प्राइस चैनल पर मूव करता हुआ आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो वीडियो है टाटा मेटालिक्स का मैंने आपके साथ शेयर किया और आप देखिए प्राइस इसका किस तरीके से चैनल में पंप कर रहा है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, मार्केट में भी गिरावट जारी है, कुछ ऐसा पॉजिटिव दिख नहीं रहा, आगे इलेक्शन सर पे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और मार्केट में इस तरीके से वॉलीटिलिटी चलती रहेगी तो आप प्लीज़ केयरफुल होके ही अपने जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो प्लान करें, अच्छे स्टॉक छांट के आप उसको सस्ते में ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।